शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। ये अपना भारतवर्ष है, ये अपना हिंदू धर्म है, अपनी हिंदू संस्कृति है, पवित्र है। लेकिन पवित्र है ये बात की बात है, जैसी भी है अपनी है, अपना देश, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना समाज। वो आज कैसा है, क्या है, ये हम नहीं जानते, वो हमारा है। अगर कुछ गड़बड़ है तो दुरुस्त करना हमारा काम है, अगर थोड़ा नीचे है तो ऊपर ले जाना हमारा काम है, वो है हमारा। इस अपनत्व के आधार पर संघ का काम चलता है। उस अपनत्व का अनुभव कार्यालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। कार्यालय है तो नियम रहेंगे, अनुशासन रहेगा, कब आना, कैसे आना। कार्यालय में आने वाला व्यक्ति चाहे जब रात को 1:30 बजे 2 बजे घूमता फिरता, ऐसा नहीं होता है। आया, सुबह आ गया, अपना काम करने चला गया तो रात को इतने बजे के पहले आ जाओ भाई, अनुशासन रहता है। आए हो तो परिचय पत्र ले आओ अपने घर से, घर से नहीं अपने स्थान से, संघ के अधिकारी का परिचय पत्र चाहिए, ये अनुशासन है। लेकिन उसको लागू करते समय वो लोगों को चुभे, वो बंधन प्रतीत हो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा व्यवहार नहीं होता है। रात को 1:30 बजे दूर से लोग आए, 7 लोग थे, जगाया, कार्यालय प्रमुख जग गए, देखा क्या है भाई, नहीं हम संघ के स्वयंसेवक है, यहां से गाड़ी बदलनी थी, गाड़ी हमारी चुक गई, अब रहने का स्थान नहीं, कल रात को फिर से गाड़ी है, तब तक यहां रहना पड़ेगा। तो नियम है, तो नियम का पहला प्रश्न क्या है, आप स्वयंसेवक है तो परिचय पत्र लाओ। लेकिन कार्यालय प्रमुख, अच्छा अच्छा आइए, जगाया, भोजन गृह था कार्यालय में, उसको जगाया कि भाई 7 लोग है, तुरंत बेसन भात बनाकर खिलाओ, दूसरा कुछ जल्दी बन नहीं सकता। उनको कहा हाथ पैर धो लो, सामान वहां रखो और भोजन के लिए आ गए। भोजन वगैरह हो गया, भोजन के बाद फिर पूछा कहाँ से आए, क्यों जा रहे थे, कौन सी गाड़ी पकड़नी थी, कैसा हुआ, क्या हुआ, सब हो गया। फिर कहा कि आप जल्दी सो जाइए, क्योंकि सुबह अपने यहाँ 5 बजे जागरण होता है और 5:30 बजे सब लोग इकट्ठा आते, तब आप आ जाओ तो आपका परिचय भी हो जाएगा, उसके बाद चाय होती है। तो वहां उनको उपस्थित रखा, उन्होंने चाय वाय पी, सब हो गया। फिर दिन भर वो रहेंगे तो क्या क्या करेंगे, कहीं जाने वाले हैं क्या वगैरह, सारा हो गया। और फिर जाते समय उसने कहा कि इस बार तो आप बिना परिचय पत्र के आ गए, लेकिन अपना नियम है परिचय पत्र लाना चाहिए। इस बीच उसने फोन करके पूछ लिया था स्वयंसेवक है कि नहीं है, एक स्वयंसेवक था, उसी के चलते सब लोग कार्यालय आ गए। तो स्वयंसेवक को उन्होंने कहा कि आपको परिचय पत्र लाना चाहिए ऐसे समय में, तो बाद में वो गए अपने स्थान पर वापस गए, तो उन्होंने बताया कि देखो भाई वो नियम तो उन्होंने बताया, लेकिन हमारी आवभगत भी की, हमको ऐसे नहीं लगने दिया कि हम कहां आके पड़े। अब ये व्यवहार रहता है, आत्मीयता कैसे अनुभव होती है, आत्मीयता अपने देखने में अनुभव होती है, अपने बात करने में अनुभव होती है। कार्यालय की व्यवस्था है, उसका अनुशासन है, उसका पालन तो होना पड़ेगा, लेकिन उसको लागू करते समय लोगों को उस आत्मीयता का अनुभव होना पड़ेगा।